नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित कौशल, फ्लूट मेकर, जयपुर राजस्थान से। अंकित फ्लूट्स में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। अगर आप 100% वेल ट्यून, बेस्ट क्वालिटी, आसाम बैम्बू एंड प्रीमियम क्वालिटी के अगर फ्लूट परचेस करना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे कांटेक्ट एंड व्हाट्सएप नंबर है 7239964200, यही मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है दोस्तों। अगर आप कहीं पर बिजी है या फिर आप कहीं व्यस्त है तो आप अपने रिक्वायरमेंट मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, और आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप मुझे जो भी व्हाट्सएप करेंगे, आप अपना एड्रेस, जो आपको जो स्केल चाहिए और बाकी सारी डिटेल्स मुझे व्हाट्सएप करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपकी फ्रूट रेडी कर दी जाएगी। आज मैंने बनाई है सी मेडल की फ्रूट, सी एंड सी शार्प मेडल की दो फ्रूट्स बनाई है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये सी एंड सी शार्प मेडल की दो फ्रूट है। ये वी एल शर्मा जी ने मुझसे ये बनवाई है। वी एल शर्मा जी जो फ्रॉम चंडीगढ़ से हैं। वी एल शर्मा जी, आपकी ये फ्लूट रेडी हो चुकी है और आज यहाँ से डिस्पैच हो जाएगी। इन्होंने सी और सी शार्प मेडल की दो फ्लूट्स बनवाई है। चलिए एक बार इसका रिव्यू कर लिया जाए, इसको चेक कर लिया जाए कि इसकी जो साउंड क्वालिटी है, ट्यून क्वालिटी है एंड जो इसकी बैम्बू क्वालिटी है, जो कितनी परफेक्ट है, कितनी बेस्ट है, एक बार चेक कर लिया जाए। तो चलिए हम एक एक करके दोनों फ्रूट्स को चेक करते हैं। आपको मैं फ्रूट दिखा देता हूँ, आप देख लीजिए। ये सी एंड सी शार्प मिडिल की फ्रूट है। ये बिगनर लेवल फ्रूट है, वैसे वो तो बहुत बड़े प्लेयर है बट उन्होंने ये फ्रूट्स मंगाई है। ये सी और सी शार्प मिडिल की बेस्ट क्वालिटी की फ्रूट है। चलिए हम दोनों को एक एक करके और चेक कर लिया जाए कि दोनों की सिर्फ साउंड क्वालिटी है एंड ट्यून क्वालिटी एंड बैम्बू क्वालिटी, सारी चीज़ें जो कैसी है, ये एक बार चेक कर लिया है। चलिए देखते हैं, पहले शुरू करते हैं सी मिडिल फ्लूट। चलिए एक बार इसकी जो बैम्बू क्वालिटी है वो चेक कर लीजिए कि इसकी जो बैम्बू क्वालिटी है वो कैसी है, बेस्ट है, प्रीमियम है। फिर आपको मैं बता दूं इसकी जो बैम्बू क्वालिटी आपको मैं दिखा देता हूँ। देखिए 100% राउंड है, 100% राउंड एंड 100% स्ट्रेट फ्रूट है, आप देख सकते हैं। चलिए एक बार इसकी जो बैम्बू क्वालिटी है वो चेक कर लीजिए कि जिसको बैम्बू क्वालिटी है वो कैसे। चलिए एक बार देख लीजिए इसकी जो, ये देखिए बिल्कुल 100% राउंड है, आप दिखा सकता हूँ मैं, आप ये देख लीजिए 100%, आप कैसे भी इस पर चेक कर लीजिए एंड 100% स्ट्रेट है। आप यहाँ से देख सकते हैं बिल्कुल स्ट्रेट आ रही है, दोनों तरफ से पूरी तरह से स्ट्रेट है, आप देख लीजिए दोनों तरफ से पूरी तरह से स्ट्रेट है। एंड मैंने इसके आपको जो वर्ड वुड क्वालिटी है वो तो मैंने आपको दिखा दी कि इसकी जो वुड क्वालिटी है वो कैसे बेस्ट क्वालिटी की वुड क्वालिटी है। उन्होंने मुझे वुडन कोर के लिए नहीं बताया था बट मैंने लगा दिया वुडन कोर, और उन्होंने मुझे थ्रेड जो है उनके लिए भी नहीं बताया था, तो मैंने थ्रेड अपने मन से लगाया। मैं आशा करता हूँ कि उन्हें ये थ्रेड पसंद आए। मैंने वुड कोर भी लगाया और ये जब प्रोफेशनल लेवल तक जब इसे प्ले करेंगे तो ये वुड कोर उसके यूज़ में आता है। प्रोफेशनल जब प्ले करते हैं तो इसकी खनक बढ़ जाती है। ये सी मिडल की फ्रूट है और इसकी जो लेंथ होती है वो 19 इंच की होती है। यहाँ से जो आप लेके यहाँ तक की जो परफेक्ट लेंथ होती है वो 19 इंच की होती है, सी मिडल की 19 इंच की लेंथ होती है। चलिए मैंने आपको इसकी जो बैम्बू क्वालिटी है वो आपको बता दी और धागे थ्रेड सब बता दिए। अब जो इसकी साउंड क्वालिटी, रिच जो साउंड क्वालिटी वो कर दे, मैं आपको बताता हूँ कि जो मधुर रिच जो साउंड क्वालिटी है वो कैसी है। ये लेफ्ट हैंड की फ्लूट है, मैं आपको बता दूँ। देखिए जो लेफ्ट हैंड की फ्लूट होती है उसका होल लेफ्ट की तरफ होता है, जो ट्यूनिंग होल होता है वो लेफ्ट की तरफ होता है, और जो राइट की होती है वो राइट। हम पता कैसे करें कि कौन सी फ्लूट लेफ्ट की है और कौन सी फ्लूट राइट की? तो आप जब भी फ्लूट को हाथ में लेते हैं तो अगर आपका लेफ्ट हैंडेड, लेफ्ट ये मेरा लेफ्ट है, ये मेरा खाने खाने का हाथ है और ये लेफ्ट हैंडेड है, तो आप लेफ्ट हैंडेड जो फ्लूट होती है वो नीचे की होल, तीन होल जब क्लोज करेगी तो लेफ्ट हैंडेड होती है, और अगर वो राइट के तीन होल अगर क्लोज करती है नीचे वाले तो वो राइट हैंडेड है। तो ये लेफ्ट हैंडेड फ्लूट बनाई गई है। तो चलिए एक बार इसकी जो साउंड क्वालिटी है वो चेक कर ली जाए कि इसकी जो बेस्ट और परफेक्ट जो साउंड क्वालिटी है वो कैसे। चलिए मैं आपको एक बार इसकी नॉर्मल से एक सरगम बजा के बताता हूँ कि इसकी जो साउंड क्वालिटी है वो कैसी है। चलिए चेक कर ली जाए।
मधुर और बेस्ट साउंड है वो मैंने आपको बता दी एक नॉर्मल सरगम बजा के। इसके जो बहुत ही मधुर और बहुत ही बेहतरीन साउंड है, बिल्कुल एकदम बहुत मधुर, बहुत ही बेहतरीन साउंड है। इस तरीके की बेस्ट क्वालिटी की सी मिडिल की फ्लूट अगर आप मुझसे परचेज करना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट एंड व्हाट्सएप नंबर है 7239642200, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है दोस्तों। चलिए हमने सी मिडिल के बारे में तो जान लिया, अब एक सी शार्प मिडिल, हमारे पास तो दो फ्लूट थे तो एक सी शार्प मिडिल के बारे में भी जान लिया जाए कि सी शार्प मिडिल की जो वुडन क्वालिटी है वो कैसी है, साउंड क्वालिटी है वो कैसी है। चलिए एक बार देख लिया जाए, मैं आपको एक बार जो इसकी वुडन क्वालिटी दिखा देता हूँ। 100% राउंड है एंड 100% स्ट्रेट बैम्बू, आपको मैं दिखा दूँ, ये देखिए 100% स्ट्रेट बैम्बू है। आप दोनों तरफ से देखिए, इसमें भी वुडन कोर लगा हुआ, आप देख सकते हैं ये भी पूरी तरह से राउंड है, पूरी तरह से राउंड और एंड पूरी तरह से स्ट्रेट फ्लूट है। चलिए मैंने आपको इसकी वुडन कोर किसके अंदर लगा दी, थ्रेड मैंने अपने मन से बांधे, आशा करता हूँ कि उन्हें ये थ्रेड पसंद है। अब ये कर दिया, अब इसकी जो साउंड क्वालिटी है मैंने आपको वुडन क्वालिटी तो बता दिया, अब इसकी जो साउंड क्वालिटी है वो चेक कर लीजिए कि इसकी जो साउंड क्वालिटी है वो कैसी है। इसकी जो बेस्ट साउंड क्वालिटी है वह मैंने आपको बता दी, इसकी जो साउंड क्वालिटी है वो कैसी है। चलिए मैं आपको एक बार दोनों फ्लूट एक साथ बताता हूँ। ये जो छोटी वाली है वो सी शार्प मिडल है और ये जो बड़ी वाली है वो सी मिडल है। सी शार्प मिडल है उसकी लेंथ होती है 18.5 इंच की लेंथ होती है और जो सी मिडल की फ्लूट होती है उसकी 19 इंच की लेंथ होती है। दोनों के अंदर ज़्यादा नहीं, 5 इंचिस का डिफरेंस आता है, बाकी ये ऑलमोस्ट सेम होती है। अगर आप इस तरीके की बेस्ट क्वालिटी की एंड फ्राई बैम्बू सी एंड सी शार्प मिडल या एनी स्केल, आप कोई से भी स्केल अगर आप मुझसे परचेस करना चाहते हैं, किसी भी बजट की फ्रूट मेरे पास अवेलेबल है। आपको हर प्रकार की पीवीसी, एक्रेलिक, फ्राई बैम्बू, नॉर्मल हर प्रकार की फ्लूट मिल जाएगी। अगर आप इस तरीके की फ्लूट मुझसे परचेज करना चाहते हैं तो आप मुझसे मेरे कॉन्टेक्ट एंड व्हाट्सएप नंबर है 7239642200, यही मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है दोस्तों। चलिए आपको मैं एक छोटा सा इसके ऊपर कोई सॉन्ग प्ले करके और बताता हूँ कि अगर आप इस पर कुछ सॉन्ग प्ले करते हैं तो उसका क्या साउंड होता है। मैं आपको एक छोटा सा सॉन्ग प्ले करके बताता हूँ कि जब आप इस पे कोई सॉन्ग या फिर कोई राग या कोई सरगम बजाइएगा तो इसकी जो साउंड क्वालिटी होगी वो कैसी होगी। चलिए चेक कर लीजिए, अगर आप इस पर कोई सॉन्ग या कोई धुन प्ले करते हैं तो इस तरीके की बेहतरीन साउंड आता है। अगर आप इस तरीके की फ्रूट अगर मुझसे परचेस करना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट एंड व्हाट्सएप नंबर 7239642200, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है दोस्तों। इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों।